first of all very good morning to all of you. In this class I am going to start with the new chapter, that is biotechnology principles and processes. In this chapter we deal with the living organism and products, and it is used for the formation of important products for the use of human ke liye kiska use kiya jata hai, biological things. और जो भी बायोलॉजिकल एंजाइम और प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, इन्हें इनका यूज़ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा जिस, और वो प्रोडक्ट किसके लिए यूज़, किसके लिए बनाया जा रहा है, फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए इनका फॉर्मेशन किया जा रहा है ना. इसमें एक्चुअली में ये इस प्रिंसिपल में होता क्या है, फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या किया जाएगा, जीन्स, जो डिजायर्ड जीन्स है, जिसके थ्रू हमें, ऑलरेडी हमने इन प्रीवियस क्लास डिस्कस किया है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर जीनोम प्रेजेंट होंगे. अब जीनोम पर, हियर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम, दैट इज डीएनए. नाउ डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन होगा. देन आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगी साइटोप्लाज्म में. प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के थ्रू. तो होल प्रोसेस, जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज किया जा रहा है, आइदर वो बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो यहाँ पे बेनिफिशियल, इस प्रोटीन की कोडिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, इस डीएनए पे प्रेजेंट है ना. इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में. इस जो भी डिज़ायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाएगी और एक वैक्टर के थ्रू इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इकोलाई. अब इकोलाई में यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज इसकी सिंथेसाइज कर ली जाएगी और वो हो जाएगा डिजायर. वो मल्टीपल कॉपीज में अब वो जीन अवेलेबल है. दैट मीन्स कि हम उतनी हाई अमाउंट में उस जीन से पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं ना. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाएगा, सिंपली एक डिजायर जीन होगा, डिजायर्ड जीन, इसे फ्यूज कर दिया जाएगा विद द वेक्टर प्लाज्मिड. विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर प्लाज्मिड, दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द इकोलाई बैक्टीरिया. E. coli bacteria में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आफ्टर दिस प्रोसेस E. coli bacteria undergoes इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. के बाद अब क्या होगा, इस कई सारे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा. दैट मीन्स मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी और क्लोनिंग हो जाएगी उस बैक्टीरिया की. क्लोनिंग ऑफ डिजायर जीन बाय ई कोलाई ना. अब इस डिजायर जीन की क्लोनिंग हो गई. अब इस डिजायर जीन से फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया जाएगा थ्रू डिफरेंट मेथड, और डिफरेंट मेथड से, थ्रू इसी मेथड से, जैसे सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक उसी मेथड से यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ना. यहाँ पे एक एक्चुअली टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया. व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कि हम इस डिज़ायर्ड जीन को कैसे आइसोलेट करेंगे. अगर कोई प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उसके पास कोई डिज़ायर्ड जीन है, दैट मीन्स कि ऐसा जीन प्रेजेंट है
जो हमारे लिए यूज़ किया जा सकता है, जो ह्यूमन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन ह्यूमन में नहीं होता है, तब क्या किया जाएगा, इस डिज़ायर्ड जीन को उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल से आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम बायोलॉजिकल सीजर्स की हेल्प से इसे आइसोलेट कर लिया जाएगा, देन फ्यूज विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल जितने भी ग्लू होंगे, बायोलॉजिकल ग्लू दैट इज की लाइगेजेस, इसके हेल्प से इन्हें वेक्टर प्लाज्मिड में फिक्स कर दिया जाएगा ना। अब इस वेक्टर प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन ई कोलाई बैक्टीरिया। जैसे जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये मल्टीपल कॉपीज इनकी बन जाएगी। मल्टीपल कॉपीज में के बाद आइसोलेट कर लिया जाएगा जितने भी क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और प्लाज्मिड है। आइसोलेट करने के बाद पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस कर ली जाएगी जो जो डिजायर्ड है ना। ये पूरा प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंक्लूड किया जाता है। नाउ सेकेंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी। व्हाट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी दैट मीन्स कि जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो यहाँ पे बनाया गया है दैट इज डिजायरेबल जीन। फॉर एग्जाम्पल ये अगर डबल हेलिकल डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट और एनिमल, और ये डिजायर्ड जीन है दैट मीन्स कि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। इस जीन की अगर मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम इसे आइसोलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स दैट इट ट्रांसफर्ड इनटू द वेक्टर प्लाज्मिड। नाउ वेक्टर प्लाज्मिड पे ये स्मॉल सेक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ लाइगेज स्टिक भी कर दिया जाएगा इस स्मॉल सेक्शन को, इस स्मॉल डिजायर जीन ना। इस यहाँ पे हुआ क्या, अब ये जो हमें जीनोम दिख रहा है प्लाज्मिड, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जा रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली में जब इसी इसी एज ए वैक्टर, ये भी एक प्लाज्मिड कैसे वर्क कर रहा है, वैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटो मलेरिया के वैक्टर्स होते हैं और मलेरियल पैरासाइट्स के वैक्टर होते हैं, ये कैसे वैक्टर की तरह प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ये सॉरी जो भी प्रोटोजोमन है, पैरासाइट है, इसके इसके गैमेट को लेंगे और फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन बाइट करके, ये थ्रू सक और बाइट करके ये उस वेक्टर को दैट इज जो पैरासाइट है उसे ट्रांसफर करेंगे वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। ठीक, इस यहाँ भी इसी तरह यही प्रोसेस होता है। यहाँ कैसे किया जा रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डीएनए को क्या किया जाएगा, एक ई कोलाई में कल्चर, जिस ई कोलाई का किया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न प्रॉपर वे में हो और प्रॉपर कॉपीज इसकी बन सके, इस वजह से यहाँ पे स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है, जिसकी वजह से जो कॉपीज हैं क्लोनिंग हो पाए प्रॉपर वे में फॉर क्लोनिंग ऑफ वेक्टर्स। तो जितनी सुटेबल क्लोनिंग हो पाएगी उतनी मल्टीपल कॉपीज हमें फ्रेश और विदाउट एरर मल्टीपल कॉपीज हमें मिल पाएंगे। अब जब ये मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे तब एक्चुअली में किया क्या जाएगा, जो भी डीएनए है इसमें ये जो कॉपीज हैं इनको क्या किया जाएगा, इनसे प्रोटीन सिंथेसाइज और एंजाइम, जो पर्टिकुलर एंजाइम या जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम का फॉर्मेशन
हो रहा है या किसी प्रोटीन या हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफरेंट तरीके से कर लिया जाएगा ना। एक एग्जांपल से यहाँ डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं तब इजी से समझ में आएगा बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में किया क्या जाएगा। इंसुलिन हार्मोन फंक्शन हम देखेंगे, फिर इसका बायोटेक्नोलॉजी में क्यों यूज़ किया जा रहा है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे यूज़ किया जा रहा है इस इंसुलिन हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन फॉर्मेशन में कैसे यूज़ किया जा रहा है। एग्जांपल इज इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है। एक्चुअली में इंसुलिन हार्मोन हम नेक्स्ट क्लास में भी एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एज एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिव ऐसा हार्मोन है विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में इसका फॉर्मेशन होगा। नाउ बीटा सेल्स में फॉर्मेशन होता है, अगर एनी हाउ ये बीटा सेल्स अगर फैटी हो जाते हैं या एनी हाउ कुछ एक्सीडेंटली या तो रिमूव हो जाएंगे या जेनेटिकली इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब क्या होगा उस केस में ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाएंगे। अब इंसुलिन हार्मोन ये करते क्या है, ये बॉडी में ब्लड लेवल को मेंटेन करेंगे, शुगर लेवल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। नाउ जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी, डिफिशेंसी हो जाएगा या नहीं बन रहा है, उस केस में क्या होगा, तो जनरली ब्लड शुगर लेवल को कैसे ये मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज को दे कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे और नाउ ग्लाइकोजन फिर फैट में और फैट विच इज स्टोर इन एरियोलर टिश्यूज। जब ये ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाएंगे तो ये एज सच ब्लड में रहेंगे और जिसके वजह से सर्टेन डिजीज भी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे में और कोई भी डिजीज़ वो सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं यहाँ पे। अब बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन हैं जिनके अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, तो एनी हाउ अब इन्हें बाहर से कैसे दिया जाए इस हार्मोन का, तो ये हार्मोन में सबसे पहले ये पैनक्रियाज में किस फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, ये पैनक्रियाज में 3 चैन के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, ए बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड चैन। इंसुलिन हार्मोन इन पैनक्रियाज सिंथेसाइज्ड इन 3 चैन फॉर्मेशन थ्री चैन में इनका फॉर्मेशन होता है, दैट इज ए पॉलीपेप्टाइड चैन, बी पॉलीपेप्टाइड चैन, एंड सी पॉलीपेप्टाइड चैन। ए बी एंड सी के फॉर्म में एज ए प्रो हार्मोन,
प्रो हार्मोन के फॉर्म में उनकी सिंथेसिस होती है। विच इज लिंक विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड ए बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड से एज ए प्रो हार्मोन। नाउ इन्हें किया क्या जाएगा, जब ये मैच्योर होने जाएंगे तब इनके इस पार्ट को, सी पार्ट को कट करके निकाल दिया जाएगा, शॉर्टिंग कर दी जाएगी इस प्रोटीन की इन गॉल्जी बॉडी, और शॉर्टिंग करके ए और बी पार्ट को जोड़ दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। नाउ अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे विद हैंड टुगेदर विद डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू लाइक दिस। डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। नाउ जब ये, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक्टिव हार्मोन में, एक्टिव हार्मोन। तो ये नॉर्मल ह्यूमन में फंक्शनल होंगे। तो अब इसे फॉर्म किया जा, कैसे किया जाता है, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी मेथड के थ्रू, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे किया जा रहा है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, यहाँ पे डायबिटीज उसे क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वेदर ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और मेलिटस और इंसिपिडस। तो जनरली इंसिपिडस में इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, और इंसिपिडस जो पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन के इंजेक्शंस कैसे बनाए जाएंगे, ठीक वही उसी मेथड से इसमें क्या किया गया, डिजायर्ड जीन जो कि ह्यूमन जीनोम है, क्योंकि हमें ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, तो ह्यूमन के किसी भी सेल के जीनोम को हम आइसोलेट कर लेंगे, दैट इज डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और जीन्स। डिजायर्ड जीन, हम इंसुलिन का फॉर्मेशन करना है हमें, तो हमारे लिए डिजायर्ड कौन सी जीन है, जो जीन इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जीन हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, और हमें वही डिजायर्ड जीन है। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम में पार्ट ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। नाउ अब क्लियर किया जाएगा, यहाँ पे हमारा डिजायर्ड है जीन है, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में जो फंक्शन करेंगे एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, की तरह हेल्प करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह हेल्प करेंगे, और कट कर देंगे इस डिजायर्ड जीन को। मतलब कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस इनका कैसे, ये कैसे कट करते हैं और एनेलिंग कैसे की जाती है, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइसोलेशन किया जाएगा यहाँ पे डिजायर्ड जीन का। नाउ
अब हमने एक और चीज़ आई, सो ये तो ह्यूमन जीनोम है। ह्यूमन जीनोम में से हमने वो पार्ट लिया जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के फॉर्मेशन में। इंसुलिन के फॉर्मेशन में जो पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, जो इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमने वही जीन आइसोलेट किया और हमने बैक्टीरिया के वेक्टर को भी ले लिया, बैक्टीरिया वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नाउ विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम यहाँ से जो डिजायर जीन है डिजायर जीन फ्यूज्ड इन टू द वेक्टर, रीजन ऑफ वेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होगी, ये जो फॉरेन, अब क्योंकि ये इसके लिए फॉरेन है, हर डीएनए का अपना एक ओरिजिन होता है जिसके थ्रू वो रिप्लिकेट होते हैं, तो इसके पास ये भी मेंशन होना चाहिए कि इसके पास खुद का ओरिजिन हो, तभी वो रिप्लिकेशन हो पाएगा। तो इस जो डिज़ायर्ड जीन है साथ में ओरिजिन भी डाला जाता है, स्टिक किया जाता है, जिसके थ्रू ये प्लाज्मिड रिप्लिकेशन में जाए और मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे बन सकें। अब नाउ स्टिक कर दिया जाएगा इस डिज़ायर्ड जीन को ऑन वेक्टर प्लाज्मिड। दिस डिजायर्ड जीन ऑन वेक्टर प्लाज्मिड, वेक्टर प्लाज्मिड पे इसे फ्यूज कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम इज डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की हेल्प से इसे फ्यूज कर दिया जाएगा। नाउ डीएनए लाइगेज क्या करेंगे, स्टिकी, एक स्टिक करने का फंक्शन करेंगे, ग्लू की तरह फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ये जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों के लिए क्या किया जाता है, एक ही मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर दैट मीन्स कि जो कट करे डीएनए मॉलिक्यूल को। यहाँ पे इसके लिए भी सेम मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया जाएगा जो इसके लिए यूज किया जा रहा है, तभी ये एक ही पॉइंट पे कट कर सकेंगे, जिसके वजह से इन्हें जोड़ने में आसानी हो और ये स्टिक हो जाए ना। अब जब डीएनए से जो प्लाज्मिड बनेगा, यहाँ पे ये प्लाज्मिड होगा विथ ह्यूमन इंसुलिन जीन, प्लाज्मिड विथ ह्यूमन इंसुलिन जीनोम। ह्यूमन इंसुलिन जीनोम के साथ ये प्लाज्मिड होगा। और अब इस प्लाज्मिड को, ये सेपरेट मीडियम में रखा गया था, अब इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन ई कोलाई बैक्टीरिया। नाउ दिस प्लाज्मिड is introduced introduced in bacterial cell or E. coli, bacterial cell or E. coli cell. कोलाई सेल में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। जितने बार ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, हमें उतने नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद डिजायर्ड जीन मिलेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम के साथ ये प्लाज्मिड है, अब ये कैसा प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड।
रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये इसी प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अब ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिससे कि जितने बार ई कोलाई में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो उतने बार ये जीनोम इस जीनोम का रिप्लिकेशन हो और उतनी ज़्यादा कॉपीज मिल सके। ज़्यादा कॉपीज यहाँ से मिलने के बाद क्या होगा, सेम जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है इस प्रोसेस में बैक्टीरिया में, उसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू जीन एम्पलीफाई करके यहाँ पे नंबर ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ, हमने सिर्फ एक सिंगल जीन जो हमारे पास सिर्फ ऑनली फ्यू अमाउंट में हो सकता है कि सिर्फ सिंगल नंबर में हो, तो हमने क्या किया कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली। अब इसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद क्या होगा कि अब जब भी हम इससे अब हम इसका आसानी से एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करके और ट्रांसलेशन करके हम प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी कौन से, इंसुलिन एक प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे केस में यहाँ पे क्या इसमें क्या बाउंड्रीज आ रही थी और जनरली क्या इन्हें रोक रहा था, क्योंकि हमने जो नॉर्मल इंसुलिन देखा है कि वहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और इंसुलिन की सिंथेसिस एज ए मैच्योर इंसुलिन के फॉर्म में नहीं होता है, एज ए प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है जहाँ पे सी पेप्टाइड ही होता है। तो पूरे जीन को यहाँ पे नहीं किया जा सकता था जिससे ओवरऑल इंसुलिन की सिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि ऐसे में क्या होता कि सी पेप्टाइड चेन भी बन जाता, सी पेप्टाइड चेन को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए और उसका फॉर्मेशन ना हो, क्या किया गया कि सेपरेट जीन्स को आइसोलेट किया गया और देन सेपरेट चैन बनाए गए। दैट मीन्स कि जब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन की सिंथेसिस की जाती है एज ए इंसुलिन हार्मोन के फॉर्म में नहीं की जाती है, उसको पॉलीपेप्टाइड चैन के फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या किया गया, पार्ट जैसे इस चैन ए के जीन को आइसोलेट किया गया, उसी तरीके से चैन बी के जीन को भी आइसोलेट कर लिया जाएगा, आइसोलेट करके अनदर वेक्टर, और अब चैन ए और चैन बी दोनों की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएगी। यहाँ पे चैन ए है एंड हियर इज चैन बी, जब इसे भी फ्यूज कराएंगे इस वेक्टर से अनदर वेक्टर से, तब क्या होगा, हमारे पास इसकी भी मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी। अब हमारे पास दोनों चैन की कॉपीज है, अब क्या होगा कि इसे एज ए प्रो हार्मोन फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे एज ए मैच्योर हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि दोनों हार्मोन अलग अलग है प्लाज्मिड से, अलग अलग दोनों चैन अलग अलग प्लाज्मिड से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं और अलग अलग प्रोटीन चैन भी हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इससे जो चैन मिलता है वो ए पेप्टाइड चैन पॉलीपेप्टाइड चैन होगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ से जो अगर चैन मिलेगा तो बी पॉलीपेप्टाइड चैन की सिंथेसिस होगी। अब बी ए और बी को कैसे जोड़ा जाएगा, थ्रू डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराया जाएगा और डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू फाइनली सिंथेसाइज कर लिया जाता है इसके यहाँ पे। नाउ अब जो हमें प्रोटीन मिला फ्रॉम ए वेक्टर, तो ए चैन बी चैन अब डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू इन दोनों ए और बी चैन को एक दूसरे से बाइंड कर दिया जाता है इस तरीके से।
अब ये इंसुलिन एज ए मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन रिप्रेजेंट करेगा. ये इंसुलिन जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फॉर्म किया गया है, ये मैच्योर इंसुलिन है. मैच्योर इंसुलिन. अब इंसुलिन के इंजेक्शन इसी मेथड से फॉर्म होंगे और इसी मेथड के थ्रू ये क्या करा जा रहा है, इसे फिर लार्ज स्केल में इन बायो रिएक्टर्स में फॉर्मेशन होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ लार्ज स्केल में इनका प्रोडक्शन होगा और एज ए मेडिसिन के फॉर्म में इन्हें यूज़ कर लिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्लास में ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, टूल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.